सर क्या बोल रहे हैं? वीडियो बना रहे सर, ब्लॉग ब्लॉग। हाँ हैदराबाद ऐसा घूमते हैं कहीं भी एरिया में, तो अच्छा जी का दिखता तो ऐसे घूमते बनाते और यूट्यूब में सर थोड़ी अच्छा दिखता। ओके सर, ओके सर। तो हेलो फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद और जगदलपुर से हैदराबाद, और अभी मैं हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टैंड में हूं, और हैदराबाद का सबसे बड़ा बस स्टैंड और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है। तो ये है गाइस हैदराबाद बस स्टैंड के चारों तरफ का माहौल कुछ इस तरह का है। थोड़ा गंदगी लग रहा है, फिर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आसपास वाले बहुत देख रहे हैं मेरे को, तो अच्छा ही है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम आपको आगे में दिखाएंगे कुछ अच्छा। ये मेरे भाई है। हाँ भैया, मैं जगदलपुर से हूँ भाई। अभी जगदलपुर जा रहे हो? हाँ जगदलपुर नहीं जा रहे, मैं जगदलपुर से आ रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम जाएंगे, अब घूमेंगे हैदराबाद, पूरा हैदराबाद देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। उसके बाद आप आओ, फिर मैं जगदलपुर आपको रिटर्न में भी जाऊँगा, आपको एसी स्लीपर गाड़ी में। जरूर भाई। आपका नाम? मेरा नाम नंद कुमार कश्यप है भाई। आपका नाम? मेरा नाम बबलू है। और कहाँ से हैं आप? हम हैदराबाद से। हैदराबाद से है तो हैदराबाद में देखा नहीं हूँ, तो अभी देखो बहुत अभी अच्छा सिटी है। हाँ अभी अच्छा सिटी है, यहाँ पे रशीद के नाम को काली मेला बोलते हैं। मैं गुलाम हो, बोलो एक बार। हाँ गुलाम हो, मतलब गुलाम हो, मैं कैसा बोल रहा हूँ? गुलाम हो, बोलो भैया। बोलो बोलो बोलो, गुलाम हो मतलब क्या होता है? बोलो फ्रेंड को, बोलो फ्रेंड को, बोलो अच्छा फ्रेंड। गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो। अच्छा गुलाम हो, हम सब गुलाम हैं। सो गाइस ये है स्टेशन यहाँ का, और अब हम अंदर की ओर चलते हैं। ये मेरे दो फ्रेंड मेरे को लेने आए हैं। ये है गाइस महात्मा गांधी बस स्टैंड का नज़ारा बोल सकते हैं, और हम जहाँ स्टैंड होता है बस उधर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है होटल, जहाँ हम रुक सकते हैं जो टूरिस्ट हैं बाहर से हैं। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है अंदर में, लाइट वाइट लगा है बस जलाए नहीं है, दिन का है तो इसलिए कुछ अच्छा ही है बस स्टैंड, तो घूमते घूमते बहुत देर लग जाएगा, बहुत ही बड़ा स्टेशन है। अवेलेबल हैं कुछ भगवान भी, जो आपको दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और सो फ्रेंड यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, सब कुछ उपलब्ध, आप जो भी आपको लेना है सामान आपके यात्रा पे जो सफ़र करते हैं उसके लिए, आप जो भी सामान लेना है ले सकते हैं, सब कुछ सामान यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा। बहुत दूर से है तो 150। हेलो हेलो भाई, क्या है? कौन है? कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा ना, आप दिख रहे ना? मैं अकेले दिखे तो बस आगे में दिखेंगे ना, वो नहीं दिख रहा ना मेरा, नहीं दिख रहा, कौन दिख रहा भाई? आप दिखेंगे सामने वाला।
सामने वाला दिखेगा नहीं, सामने हो रहा है आपका, दिखेगा बाद में, आपका देखेगा सामने, बाद में आप देखेंगे, देख लो यूट्यूब दिखेगा। अरे कल कैसे दे रहे, समझ से अच्छे दिख रहे, समोसा 15 रुपए में एक, फ्री में मिलेगा एक, फ्री में, फ्री में मिलता 10 रुपए में मिलता, 10 रुपए में 5 रुपए कम कर रहे थे उसके लिए, जो रेट है उसको वो नहीं देता, थोड़ा पेट खराब सफर पे है ना, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मास्क लिए यार, मास्क ले लिए, मास्क क्या देखेंगे क्या लेंगे, सो बहुत ही बड़ा स्टेशन है गाइस, मैं सफ़र से थक गया हूँ और मैं पूरा दिखाऊंगा नहीं, बस बाहर का थोड़ा व्यूज दिखाऊंगा आपको। कुछ नहीं होना, बस देख रहे, कैप होना था अच्छा वाला, थोड़ा कैप नहीं मिल रहा मेरे को अच्छा सा, वही तो जैसे जचेगा ऐसे में, थोड़ा मैं घर में छोड़ दिया हूँ तो ऐसे में नहीं होना था, ऐसे में होना था, लेकिन थोड़ा ये लो एक ही डिज़ाइन है, हाँ सब एक ही डिज़ाइन है, कर रहा ऐसा वाला नहीं होना। और है तो दिखाओ, कहाँ है, दिख नहीं रहा, तुम्हारा दिख रहा ना, मैं खोज रहा हूँ, ऐसा वाला नहीं दिख रहा बोला, वो नहीं आएगा, नहीं वैसा वाला अपना टाइम, मेरा टाइम चल रहा है, आएगा नहीं। हाँ कुछ नहीं बता रहा, कुछ सामान ले रहा और मेरे फ्रेंड लोग को थोड़ा व्यूज दिखा रहा हैदराबाद बस स्टैंड का, वैसा लगता मैं बना के फिर कर देता ना, पे कर देता। हाँ पे, अब पेटीएम नहीं है ना, फोन पे नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी है, मैं पागल समय इधर उधर बनाता हूँ। यहाँ पे तो बहुत कुछ है लेकिन ऐसे बहुत बहुत महंगा महंगा बता रहे हैं, थोड़ा सस्ता बताओ भाई, ये लो वन कितना, 150 का कम है, 100 रुपया का घड़ी, 100 रुपया का ऐसा कैसा, 100 रुपये का घड़ी है इतना ज़्यादा बता रहे, 100 रुपया ऐसा अनुमान, इसमें क्या है और इसमें क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, क्या है इसमें, क्या है देख यार, पकड़ के देखना स्विच क्या है मालूम हो जाएगा, इसमें भी टाइम होगा चल रहा हूँ, सब में टाइम ही बताएगा, घड़ी कोई सा भी हो टाइम ही बताएगा, और लेकिन ये मॉडल कितने में लिया है, 100 ओके ले वैसा, वो नहीं लिया देखना, देखना भी चाहिए थोड़े कम आदमी, थोड़े और 250 दे रहे, 200
मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे 200 कहाँ 150 बोल रहे हो भैया तो मैं दो दे दिया दोनों में लगे 150 दे रहा देना हाँ मैं इसको ले लेता 100 दे अभी मैं खोल दोनों में लगे दे दे बोल के बोला थे मेरे प्यार से रांची झारखंड यूपी एमपी ना हम छत्तीसगढ़ बसते हैं भैया बोला राजनाथ होते हैं रांची रांची बोले तो किधर का है सो ये भैया के पास से मैंने एक एयरफोन और एक घड़ी वॉच लिया है जो भैया ने मेरे को यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ बोलने से थोड़ा सस्ते में दे दिए हैं ये 150 में दिए दोनों को तो भैया बहुत ही अच्छे हैं है ना भैया हमारा भाई है भाई है हमारा भाई ये बड़ा दुकान है हाँ बड़ा ही दुकान है आप भी कभी तेलंगाना यहाँ आइए महात्मा गांधी बस स्टैंड और भाई को पहचाने रही है और यहाँ भाई सस्ते में देते हैं सब कुछ यहाँ खरीदिए बहुत ही अच्छे हैं भाई तो भाई मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए है लेकिन मैं भूल गया हूँ तो दूंगा कैसे दिखता है काला दिख रहा है काला दिख रहा है काला दिख रहा है नहीं यार जच रहा है कि नहीं बोल रहा हूँ जच रहा है थोड़ा और वही इसमें तरीके से बेच रहे हैं कुछ भी बेच देते हम लोग घूम ही रहे हैं बस स्टैंड के अंदर हम लोग घूम ही रहे हैं और लास्ट हो ही नहीं रहा है हम कौन सा कहाँ लास्ट होगा स्टैंड का बोल रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है तो चारों ओर घूम रहे हैं तो आगे में देखते हैं सो ये है गाइस महात्मा गांधी बस स्टैंड का सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म 79 आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा स्टेशन है 79 प्लेटफॉर्म है आपको अच्छे से दिखा नहीं होगा मैं दिखाता हूँ थोड़ा पीछे जाके है गाइस महात्मा गांधी बस स्टैंड का व्यूज़ यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा 79 प्लेटफॉर्म है बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है तो आपको थोड़ा बता रहा हूँ ऐसे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा और
जाना पड़ेगा और आगे जाना है। और ये है स्टेशन का सामने, बरसात हो रहा है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा गन्ना चूस पिएंगे। तो 20 रुपये। हाय ब्रो, हाय 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 हाय, हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे तूफान की तरह आया और जल दिया। हम लोग ये देखो बहुत सारा चिप्स, कितना भैया पाव? 30 रुपये, 30 रुपये पाव बोल रहे। अच्छा, एक चक्री है। तो मैंने एक छकने के लिए मंगाऊँ, कैसा लगता है देखेंगे। अच्छा ही है, वैसे पैकेट में लगता है लेकिन थोड़ा क्रंची नहीं है। क्या है 10 रुपये? क्या है भैया 10? एप्पल एक, एक एप्पल। सो ये है गाइस कोटी, और कोटी में सब लाइक कर रहे। अच्छा है ना भैया, सब लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कोटी पहुँच गए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब वो मिलता है, क्या बोलते हैं, सस्ते में सामान, जो भी सामान आपको लेना है सब सस्ते में मिल जाएंगे। आप कभी हैदराबाद कोटी आइए। नहीं बैठ हो गया है, फ्रेंड मेरा नाम नंद कुमार कश्यप है और मैं जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करता हूँ, और हैदराबाद में कुछ दिनों या महीने के लिए रहूँगा। तो आपको हैदराबाद का पूरा नज़ारा, जो व्यूज़ है, जैसे चार मीनार हो गया, चोर बाज़ार, सब कुछ दिखाऊँगा। तो मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए आगे में। और